ए कॉकरोच गैंग, तुम लोगों ने हमें हमारा घर वापस दे दिया है। ये हमारा घर, अरे यार अगर कोई होता तो कभी नहीं देता इतना प्यारा अच्छा सा घर वापस। ओए तुम लोगों ने हमें हमारा घर लौटाया ना, ओए इसीलिए तुम लोगों को हम तुम्हारा अपना घर बना के देना चाहते हैं। ओए मंजूर है ना? ओए बिल्कुल, तीन भाई एकदम मेहनत करके एकदम बढ़िया वाला कासल बना के देंगे कॉकरोच गैंग के लिए। हाँ भैया बिल्कुल सही, कॉकरोच गैंग तुम्हारा अभी तक हमारे वर्ल्ड पे कोई भी ऐसा घर नहीं जो तुम लोग रह सको यार। कभी तुम लोग हमारे घर में रहते हो तो कभी बॉब के घर में, लेकिन अब बस हो गया। अब तुम्हारे लिए हम बस घर ही नहीं हमारे वर्ल्ड पे कासल बना के देंगे। इसके लिए तीन भाई बहुत मेहनत करेंगे। ओए यार ये है अपना पसीनों का एकदम मेहनत, मेहनत का पसीना लगा के एकदम हमने ये कासल बनाया है कॉकरोच गैंग के लिए। उम्मीद करते हैं यार उन लोग को पसंद आएगा। हाँ यार उन लोगों को पसंद आना ही चाहिए, इतना मेहनत जो किया है। और यार ये तो बस यार एकदम हमने कासल बनाया, अंदर का डेकोरेशन करना है, बाहर का डेकोरेशन करना है, झूमर वूमर लगाना है, एकदम सैनिकों को तैनात करके इधर रखना है, घोड़ा के लिए जगह बनाना है। ओए होगी अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, ओए जल्दी कर। भैया वैसे भी देर हो चुका है, अब मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ। ओए जल्दी कर, ऊपर का पूरा काम खत्म करके जल्दी से नीचे आ जा, अब ऊपर करने का कोई काम बचा नहीं है। ओए जल्दी से नीचे आके अब डेकोरेशन शुरू करना होगा। ओए हे भैया जल्दबाजी का काम शैतान का, आपको तो पता ही है ना। ओए यार अब ज्यादा डायलॉगबाजी मत कर, जल्दी से डेकोरेशन करना होगा। हमने उन लोग को कल सरप्राइज देने को बोला था, देख आज भी हो चुका है, अब जल्दी जल्दी डेकोरेशन शुरू करो है मेरे साथ। ओके भैया तो फिर मैं यार कासल के अंदर एकदम कारपेट बिछवा ही देता हूँ, क्योंकि यार अब कुछ ही घंटों में हम कॉकरोच गैंग को स्वागत करने वाले उन लोग के नए घर पे। और यार ये घर नहीं कासल है, कासल है ना भैया? ओए यार कासल तो है बस बाहर से, ओए अंदर से कुछ भी नहीं बना हुआ है। नहीं अजी कल बाहर का भी डेकोरेशन करना बाकी है, लेकिन आप लोग फिक्र मत कीजिए, बाहर का डेकोरेशन मैं करूंगा, आप दोनों मिलकर अंदर का डेकोरेशन कीजिए। है ये हुई ना बात, जब तू बाहर का सवाल, जैक भैया और मैं मिलकर अंदर का डेकोरेशन संभालेंगे। ओए तो फिर ठीक है, होगी सबसे पहले तू यार एकदम कारपेट बिछवा दे सभी जगह में, यानी कि यार महल में एकदम कारपेट से स्वागत होना चाहिए। हे भैया देखिए पूछ एक दो तीन चार कारपेट अपना लगाओ यार। तो फिर चलो यार इसको यार बीच में क्यों लगाते हो भैया, चलो तोड़ दिए। हे कारपेट सभी जगह में लग चुका है, अब व्हाइट कारपेट बचा है, इसको भी लगा दिया भैया। हे यार ये हुई ना बात, एकदम हमारा महल कारपेट से शुरू होगा। और यार भैया ये क्या बना रहे हो आप? ओए होगी ये है कॉकरोच गैंग के लिए कपड़ा, यानी कि आर्मर्स, वो भी नेदरराइट आर्मर्स होगी। हे भैया इसमें तो कॉकरोचेस एकदम धांसू लगेंगे यार। और यार अगर ये पहन के हमारे साथ कभी फिर से फाइट करने आया तो हमारा तो कचुमारी बन जाएगा भैया। ओए यार अभी यार एकदम दोस्ती हुआ है, दुश्मनी का काहे का बात करता है तू होगी। ओए चले इधर तक तो बना दिया होगी, अब हमें और बहुत सारा चीज बनाना है, बेडरूम से लेकर किचन तक। अरे यार भैया मैं बनाऊंगा किचन, यानी कि यार किचन है मोटू का फेवरेट प्लेस। हे यार मोटू तेरे लिए मैं एकदम बढ़िया वाला किचन बनाऊंगा। ओए तो फिर ठीक है, मैं उन लोगों के लिए सोने के लिए इधर बेडरूम बनाऊंगा, होगी तू बना ले किचन। ओके भैया एक साइड पे हाँ बनाइए बेडरूम, हाँ दूसरे साइड पे मैं बनाऊंगा किचन। लगता ही अंदर काम जोरों शोरों से शुरू हो रहा है। हाँ मुन्ना अंदर काम एकदम जोरों शोरों से हम शुरू कर रहे हैं, तू यार बस बाहर का सामान लेना। ओए यार ये सेचर पे थी, बाहर का डेकोरेशन तो सामान लेगा ना होगी। ओए यार मुझे तो डर लग रहा है। आपने मुझे अंडरस्टैंड किया जाके कल, बस इंतजार कीजिए मैं बाहर ऐसा डेकोरेशन करूंगा ना, आप लोग देखते रहोगे। है ये हुई ना बात, मुझे यकीन है सेचर अच्छा वाला डेकोरेशन करेगा भैया, आप फिक्र मत कीजिए, आप अपना बेडरूम बनाइए ना आराम से। चलिए यार और मैं किचन बनाता हूँ, लगा दिया एक फर्नेस इधर, और यार इस जगह में लगाएंगे आप इस मोकर, एकदम आराम से इधर खाना पकेगा और मोटू दिन भर रात भर खाता ही रहेगा। और यार इधर किचन बनाने का एक और फायदा है, वो लोग यार हमारे घर में नहीं आएंगे चोरी करने के लिए। ओए लेकिन होगी वो पल वो यादें जब हम पकड़म पकड़ाई खेलते थे, जब यार वो तीन कॉकरोच हमारे साथ यार एकदम हमारे फ्रिज लूट के चले जाते थे और हम उनके पीछे पीछे। ओए होगी यार वो दिन काफी याद आएगा,
हाँ भैया यार, वो पल तो नहीं भूल पाऊंगा, लेकिन यार भैया मुझे पक्का पता है ये कॉकरोच गया है अपना घर का पूरा खाना खत्म करके आखिरकार हमारे घर में आने वाले हैं भैया, ये भी मत भूलिए। ओए वो तो है ओके, इसलिए शायद ये लोग यार हमारे घर किसी और को नहीं देना चाहते, क्योंकि यार इन लोगों को भी हमारे जैसे यार घर का ओनर नहीं मिलता। मेनली तो तू होगी यार, तू काफी अच्छा है, तू कॉकरोच गाय को यार मारता तो था लेकिन यार आखिरकार तू ही तो प्यार करता था कॉकरोच गाय को, इसीलिए कॉकरोच गैंग शायद कोई दूसरे को मालिक नहीं बनाना चाहते थे। हाँ भैया आपने बिल्कुल सही बोला, और इसी बात में इन लोग को इनाम तो बनता है, है यार, और आपने बेडरूम तो काफी बढ़िया बना दिया इनके लिए जैक भैया। ओए हाँ ओके, अंदर का पूरा काम तो खत्म हो गया एकदम यार, डेकोरेशन वेकोरेशन सभी, कॉकरोच गैंग को बुलाने का वक्त हो चुका है, लेकिन सिंचन ने बाहर का डेकोरेशन किया भी नहीं। केसल के ऊपर का पूरा डेकोरेशन करके सीखे जो रहे, केसल के बाहर वाले डेकोरेशन कर रहे हैं वो भी पानी मार के। है भैया इसने तो कमाल का बना दिया है कासल को। हाँ देखिए ऊपर से भैया नीचे से एकदम यार कासल अभी लग रहा है कासल जैसा। ओए यार मैंने सोचा भी नहीं था ये पिंडी सिंचर इतना बढ़िया बना देगा कासल को। तो बोलू बोलू की जैक अंकल कैसे लग रहे हैं कैसल? ओए तो फाइनली कैसल कंप्लीट हो गया, ओए बाहर से भी एकदम बक्कन और अंदर से भी एकदम बक्कन, ओए इसको बोलते हैं ओरिजिनल कैसल। ओए क्या बोलता है होगी तू, चल तो ओए कॉकरोच गैंग को बुलाने के लिए। हे भैया लेकिन यार पहले सब कुछ एकदम बढ़िया तो है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं? उन लोग को यार नया घर देने वाले वो भी कासल वाला घर, कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ओए तू फिकर मत कर यार, इतना बढ़िया घर हमने बना दिया, ओए यार इससे बढ़िया कोई बना सकता है क्या? ओए यार अब ज्यादा टेंशन वेंशन ज्यादा सोचने का नहीं, ओके जल्दी चलो, ओए वो लोग हमारे घर पे इंतजार कर रहे होंगे हमारा, ओए चलो फटाफट हम कॉकरोच गैंग को बुला ही लेते हैं। हे तो फिर चलो यार ठीक है, कॉकरोच गैंग को बुला ही लेते हैं। कॉकरोच गैंग हम आ रहे हैं तुम लोग को नया घर गिफ्ट देने के लिए। हाँ चलो यार बारिश भी शुरू हो गया है, कॉकरोच है जल्दी से आ जाओ नीचे। हे यार ये लोग तो दरवाजा लॉक करके बैठे। यार बोले तो हमारा सरप्राइज, हमारा नया घर तैयार हो गया क्या? हे यार बिल्कुल तैयार है, तुम लोग आओ तो सही यार, पीछे पीछे जल्दी से आ जाओ। ओए यार तुम लोग देख के एकदम चौंकने वाले हो, ओए कॉकरोच गैंग तो ये देखो। हे तुम्हारी आगे बोलो कैसे लगा कॉकरोचेस, ये हम तीनों की तरफ से तुम लोगों को आगे अंकल का घर लौटाने का सरप्राइज, तो आगे चले गए कॉकरोचेस। हे यार तो बोलो बोटू लबू तुम लोगों को ये कैसा लगा? ये रे सतवी के बिल्ली गैंग सिंचन, ये हमारे ही क्या? ए मैं खिलाड़ी हूँ और मेरे पास बहुत पावर्स है, और मैं ऐसे वैसे इमोशनल भी नहीं होता, लेकिन आज पहली बार मुझे गिफ्ट मिल रहा है, वो भी बिल्ली गैंग और सिंचन दे रहे हैं। मैं तो कसम से इमोशनल हो गया। ओए इमोशनल क्यों हो देखा? ओए ओए यार ये हमारी तरफ से एक छोटी सी गिफ्ट, ओए अंदर तो चलो, ये तो बस आगे का शुरुआत है। अरे बाबा सच में मिल लेंगे, तुम लोग दुश्मनी भी निभाते हो और दोस्ती भी, तुम लोगों ने जब घर देने का बात किया था मैं सोचा एक छोटा सा घर होगा, पर लेकिन तुम लोगों ने तो इधर बैठे खड़ा कर दिया। ओए तू इमोशनल क्यों हो रहा है बाटू? हे इमोशनल क्यों हो रही हो कॉकरोच गैंग? ओए यार जब तुम लोग इमोशनल लगते हो तो बिल्कुल यार ये सिंचन की तरह लगती हो, अंदर चलो। कुछ नहीं कुछ नहीं, मजाक कर रहा हूँ। हे तुम लोग चुप बैठो कॉकरोचेस, ये अंदर तुम लोगों को कैसा लगा खुद का घर? ये सभी तुम लोगों का है। यार कसम से बोटू ये हमारा घर है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, देख इधर बेड भी है खाना वाना। यार बाबा और ये क्या है? यार बोटू ये किचन, तुमको यार जितना खाना है सब कुछ यार इस किचन में मिलेगा, फर्रे से लेकर एकदम स्मोकर भी इधर है, तुम लोग यार कोई भी खाना पका के खा सकते हो। यार मोटू को खाना पका के क्या खाना है, मोटू तो कच्चा भी खा लेता है। यार बाबा चुप बैठ तू, मैं तो किचन देख के एकदम बकला गया।
मस्त खाना खाने का, दूध पीने का, बोले तो अब तो मजे ही आ जाएगा। लब यार बिल्कुल, इन लोगों ने सोने के लिए एकदम खाने के लिए सब कुछ जगह बना दिया है। चल यार अब ऊपर चलते, एक्सरसाइज ऊपर होगा, मैं एकदम खिलाड़ी हूँ। यार बाबा देख तो खिलाड़ी के लिए ये एकदम इधर छत भी है, और ये क्या स्टैचू, ये तो काफी बेहतरीन है यार। ये मैंने बनाया है कंक्रीट गैंग। ओए यार सचर, ये तूने बनाया है क्या? ओए यार सच में बेहतरीन लग रहा है, द मसाल मैन। हे यार ये हमने पहले भी बनाया था, हमने यार कार्टून सिटी में द मसाल मैन, किस किस को याद है। और यार इधर से देखो सीधा यार हमारा घर भी दिखाई देता है। ये बाबा वही तो मैं देख रहा हूँ। यार बिल्कुल, इधर से सीधा यार ओगी का घर भी दिखाई देता है, और बोक का भी, और बोले तो पूरा गाँव ही दिखाई देता है इधर से तो। बाबा तुम लोगों ने हमें इतना बड़ा फेल दिया। हे यार बोले तो अच्छा तो लगा ना कॉकरोच गैंग। ओए यार बोले तो ये अपना तोहफा हो गया कॉकरोच गैंग के लिए, तुम लोगों को अच्छा लगा या फिर नहीं ये हमें पता नहीं, बस तुम लोग इस तोहफा को कबूल करो। यार बाबा तुम लोगों ने तो सच में इमोशनली बना दिया, आज तो मैं कहूंगा सभी के सभी, इधर के जितने भी व्यूअर्स हैं जो भी देख रहे हैं, बिल्ली गैंग के लिए एक सब्सक्राइबर एक लाइक का बनता है।